गाइस हाउ यू ऑल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज संजना, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ वेट इन वाइल्ड का अल्टिमा आईब्रो किट का। एंड मैंने वेट इन वाइल्ड का आईब्रो परमिट परचेज किया था, बट वो मेरे लिए सुपर फ्लॉप रहा क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग पाउडर टाइप, और मैंने पहले यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लैक आई शेडो से मैं कर रही थी अपना आईब्रोज, बट यू नो ब्लैक आई शेडो इज वेरी डार्क, तो मतलब एवरी टाइम वेयर के लिए आप थोड़ा सा यू नो न्यूट्रल शेड चाहिए, जैसे कि वो वेट एंड वाइल्ड का वो आईब्रो पैलेट में है, आईब्रो किट में है, ब्राउन शेड है। तो या तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट एंड आई जस्ट बॉट दैट प्रोडक्ट, एंड मुझे लगा कि आपके साथ ये रिव्यू भी शेयर करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आईब्रो नहीं लगाया है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं आपको एकदम रिव्यू दूंगी, डेमो दूंगी। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस एज यू कैन सी, ये है वेट इन वर्ल्ड का अल्टीमेट आईब्रो किट, और इसमें डार्क ब्राउन शेड है, लाइट ब्राउन शेड है, और ऊपर है वैक्स, और इसके साथ आपको मिल रहा है एक ट्वीजर एंड एक आईब्रो एप्लीकेटर। और या आई लव द पैकेजिंग, इट्स वेरी स्मॉल एंड वेरी हैंडी, आप देख सकते हो मेरे पाम के अंदर फिट हो जा रहा था, यू कैन इमेजिन कि ये कितना छोटा है। एंड आप इसको आराम से अपने बैग पे कैरी करके लेके जा सकते हो, अपने वैनिटी बैग में ले सकते हो, अपने पर्स में, वट एवर यू वॉन्ट। सो या आई लव द पैकेजिंग, एंड मैंने इसको परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, और इसका प्राइस इसमें मैंशन नहीं किया गया है, लेट मी चेक। तो इसका प्राइस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और मुझे याद भी नहीं है, पर ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस। अगर आप बहुत ही अच्छा आईब्रो किट ढूंढ रहे हो तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन। और या इसका जो शेड है E963, और ये एश ब्राउन का है, और इसके अंदर जो सबसे अच्छा चीज क्या है, इसमें एक मिरर है, लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज। सो ये थोड़ा ट्रिकी है, सो या दिस इज द मिरर, इसमें स्लाइड होके आपको एक मिरर मिल जाता है, आप देख सकते हो दिस इज द मिरर। आप आराम से अपना मिरर यूज कर सकते हो फॉर आईब्रोज, अगर आप सडनली कहीं बाहर जा रहे हो, अपने आईब्रो आपका स्किप हो गया है, या फिर आप मेरे जैसे हो जैसे कि आईब्रो लगा के जा सकते हो। और आई एम द गर्ल जो मुझे आईब्रोज को फिल करना ज्यादा पसंद है, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे आईब्रोज एकदम सेट एंड परफेक्ट होने चाहिए। सो या तो ये है इसका बहुत ही अच्छा ये मिरर है, एंड अंदर ये लॉक भी हो जाता है लाइक दिस, एंड और ये हमारा अंदर का पैकेजिंग, आप देख सकते हो उस तरीके से आप खोल सकते हो। और इसमें छोटा सा एक ब्रश है, और एंगुलर ब्रश है, बहुत ही प्यारा सा एंगुलर ब्रश है, और इसमें अपने आईब्रोज को आप फिल कर सकते हो। देन वी हैव हियर अ ट्वीजर, अ स्मॉल ट्वीजर, अगर आपके आईब्रोज छोटे छोटे निकल गए हैं तो यू कैन प्लक इट आउट। सो या दिस इज वेरी गुड अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड लेट मी शो यू द पिगमेंटेशन। तो सी इट्स वेरी लाइट, बट अगर आप इसमें फिंगर में अगर आप ये कर रहे हो तो ये अच्छे से पिगमेंटेशन दिख रहा है, बट मैं अपने आईब्रोज पे लगा के भी आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज द पिगमेंटेशन, एंड ये है वैक्स। तो चलिए अभी हम आपको डेमो दिखा देते कि ये कैसा आपके आईब्रोज के ऊपर काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी ये है वैक्स, तो आपको लेना है स्पूली एंड जस्ट रब द क्रीम, एंड with that you just have to comb your brows with that, ताकि आपके जो इधर उधर हो जाते हैं brows वो अच्छे से comb होके set हो जाए, ताकि आपको eyebrow को shape देने में कोई problem ना हो। So I'm using my this angular brush, ये Zoeva का है, and इसका जो number है 370। So I'm taking this dark brown shade. आपने देखा कि मेरे हाथ में पिगमेंटेशन नहीं दिखा रहा था, बट ये आपके आईब्रोज के साथ बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हो द पिगमेंटेशन इज वेरी गुड। एंड और ये मेरे आईब्रोज के
कलर के हिसाब से मैच करता है, बिकॉज़ जो ब्लैक कलर का शेड मैं यूज करती थी फॉर माय आईब्रोज वो बहुत ही फेक लगता था, बट वो आपके हैवी मेकअप के साथ बहुत अच्छा जाता है। बट अगर आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो तो योर आईब्रो शुड बी यू नो योर आईब्रो शुड बी लुक नेचुरल, सो वो नहीं हो पा रहा था एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर माई नेचुरल मेकअप लुक। सो या आई लव द पिगमेंटेशन ऑन माई आईब्रोज एंड या इट लुक्स सो नेचुरल। सो फटाफट दूसरा वाला आईब्रोज फिल कर लेते। सो या गाइस आपने देखा मेरे आईब्रोज, आप देख रहे होंगे बहुत ही नेचुरल लग रहा है, ये बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं लग रहा है, ये बहुत ही नेचुरल कलर का है। ये जो डार्क ब्राउन शेड है मेरे आईब्रोज के साथ फुल्ली मैच कर रहा है एंड ये ब्राउन शेड आप इसको एज आई शैडो भी यूज कर सकते हो एंड द वैक्स, ये वैक्स बहुत ही अच्छा है। अगर आप वैक्स नहीं करोगे तो आपका जो आईब्रोस इधर उधर हो जाता है, बट अगर वैक्स कर लगा के आप आईब्रोस लगाते हो तो आपका जो आईब्रो का शेप है वो इंटैक्ट होके रहता है, इधर उधर नहीं होता है, विच इज रियली गुड अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड दिस फूली द ट्वीज़र वेरी गुड क्वालिटी एंड या आई जस्ट लव द प्रोडक्ट एंड फॉर मी इट्स अ बिग थम्स अप एंड हाईली रिकमेंडेड। अगर आप एक अफोर्डेबल आईब्रो किट ढूंढ रहे हो तो गो फॉर इट, नो डाउट बहुत ही अच्छा है एंड मैं जो ढूंढ रही थी आई गॉट दिस, सो या मुझे मिल गया। सो या गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और या एक कमेंट अपना प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आपको कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए मुझे बताइए, मैं आपके लिए जरूर करूंगी। एंड या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सको। सो या आई लव यू गाइस सो मच एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड आई लव यू गाइस सो मच, बाय।